जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ लिटरेचर। अब मैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियो डाला करूंगा, लगभग कोशिश करूंगा कि रोज आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेके आऊं जिससे आपकी तैयारी में मदद हो जाए। तो आज हम बात करेंगे ब्रिटिश लिटरेचर की, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में यदि बात करें तो शुरुआत होती है ब्रिटिश लिटरेचर से। तो इसको पढ़ना, इसको जानना बहुत जरूरी है। और लगभग हर एग्जाम में जो 60-70% इंग्लिश लिटरेचर आती है वो यहीं से देखने को मिलती है। तो यहां से बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है एंग्लो सैक्सन के साथ, यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड सबसे पहला पीरियड था इंग्लिश में। इससे पहले यहां नॉर्मन्स लोग रहा करते थे, लेकिन उनको जाना पड़ा, तो उसके बाद एंग्लो सैक्सन लोग आते हैं, यानी कि ये जर्मन डायलेक्ट के पीपल थे। जर्मन डायलेक्ट के, ध्यान देना, इन्होंने जर्मन डायलेक्ट को लाया कहां? इंग्लैंड में। ये 410 से लेकर 466 तक इन्होंने वहां शासन किया, वहां रहे हो और वहां राज किया। और उसके इनके साथ साथ एक दो ट्राइब और आई थी, जैसे बाइकिंग आए थे, जूट आए थे। तो ये सारे सभी लोग यहां कहां ब्रिटेन में काफी साल तक रहे, और लगभग मान के चलिए 500 साल से ज्यादा इन्होंने यहां राज किया। उसके बाद दूसरा जो पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है दोस्तों यहां द एंग्लो नॉर्मन। अब एंग्लो सैक्सन यहां रहा करते थे, तो नॉर्मन ने क्या किया? अटैक किया और सैक्सन को हरा दिया, एंग्लो सैक्सन को हरा दिया। और उसके बाद ये बन गया हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड, और ये स्टार्ट होता है 1066 से 1350 तक। ये हमारा यहां तक ये पीरियड स्टार्ट होता है, और यहां भी बहुत सारे लोग आए। और क्या इन्होंने देखो, जैसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन जीत गए थे यहां, और नॉर्मन कहां गए थे? नॉर्मन फ्रेंच डायलेक्ट को लाए अपने साथ। किसको लाए? फ्रेंच डायलेक्ट को। और यही इसी लगभग टाइम से हमारी स्टार्ट हो जाती है मिडिल इंग्लिश। 1150 से स्टार्ट होती क्या? मिडिल इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश चली हमारी कब से? लगभग 520 AD से, और 1050 तक, और 1050 से 1500 तक हमारी मिडिल इंग्लिश कहा जाता है, मिडिल इंग्लिश। तो याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इन्होंने फ्रेंच कल्चर को वहां इन्फ्लुएंस किया, फ्रेंच कल्चर का थोड़ा सा बढ़ावा प्रमोट वहां ज्यादा किया। तीसरी बात करते हैं, तीसरा है हमारे पास, ये तो सब लोग जानते हैं, यहां से इंग्लिश स्टार्ट हुई थी, मेन द एज ऑफ चौसर। इसलिए इंग्लिश लिटरेचर के जो फादर कहा जाता है, इंग्लिश पोएट्री के फादर कहा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज के फादर कहा जाता है, वो हमारे चौसर साहब, जॉफ्री चौसर। इनका टाइम रहा है 1350 से 1400 तक का, यानी इनकी यदि हम बर्थ की बात करें तो 1343 में, यानी कि 43 में इनका जन्म हुआ था, और 1400 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे काम लिखे इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, मतलब इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इनका बहुत फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल, इसी कारण इनको द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, यानी कि स्टार्ट इनके यहां इंग्लिश लिटरेचर से हुई थी। क्लियर? बाकी में इन्होंने इटली में लिखा, फ्रेंच में लिखा, लेकिन इंग्लिश में जो लिखा वो ज्यादा फेमस हुआ, ज्यादा लोगों तक पहुंचा, और उसके बाद इनको बहुत प्रसिद्धि भी मिली इसी वर्क की वजह से, और यहां से इंग्लिश स्टार्ट होती है। आगे बढ़े हम, तो आगे देखें तो चौथा हमारा पीरियड है रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रिवाइवल ऑफ लर्निंग क्या है? देखिए, चौसर की डेथ हो जाती है, चौसर ने बहुत सारे काम किए, इनके जो साथ के थे उन्होंने भी अच्छे काम किए, यानी कि ये पीरियड बहुत प्रोडक्टिव रहा इंग्लिश के मामले में। अब यानी आगे बढ़े तो आगे 1400 से लेकर 1550 तक, यानी 1400 से 1550 तक इतना ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम नहीं रहा। कुछ लोग आए जिन्होंने काम लिखे, अदरवाइज चौसर के ही वर्क को ट्रांसलेट किया गया, पढ़ा गया, और इन्हीं पे लगभग 100 साल चीजें चलती रही। अब यहां जो मेन आए, आपको पता ही है थॉमस मोर यहां मेन थे, उन्होंने रेनासा भी लाए, और इन्हीं को फादर ऑफ रेनासा कहा जाता है। और आगे बढ़े हम तो आगे देखिए, यहां से ट्यूडर डायनेस्टी भी शुरू होती है 1485 से और 1650 तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर सेट पे पहले आ भी चुका है, एमबी सेट में भी आ चुका है, कई जगह आ चुका है। तो आप याद रखेंगे ट्यूडर डायनेस्टी, जो एलिजाबेथ थी वो ट्यूडर डायनेस्टी से ही आती थी। हेनरी 8 थे, हेनरी 7 थे, ये सब लोग कहाँ से आते थे? मैरी हो गई, एडवर्ड हो गए, ये सब हमारे ट्यूडर डायनेस्टी से आते थे। अब हम बात करते हैं आगे,
सिक्स जो पीरियड था वो था एज ऑफ एलिजाबेथ। अब एज ऑफ एलिजाबेथ आ जाती है, एज ऑफ एलिजाबेथ में जो ग्रेट राइटर रहे वो रहे हैं हमारे शेक्सपियर, जो भी आप सब लोग जानते हैं, और मार्लो थे, लिली थे, लॉज थे, ग्रीन थे, बहुत सारे ऐसे राइटर थे तो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस एज में, और इसको एक तरह से गोल्डन पीरियड कहा जाता है, इंग्लिश पीरियड का गोल्डन एज। तो यहाँ गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, देखिए इसमें एक तो आपको पता है शेक्सपियर जैसे हम लिखा है शेक्सपियर, शेक्सपियर ने बहुत सारे काम किए और बहुत सारे वर्ड्स, लगभग 1700 वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड किए थे, इसलिए इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है इंग्लिश में। इनके चौसर के बाद यदि ये नाम है तो इनका ही है, और ये पीरियड रहा 1550 से लेकर 1620 तक का। इनके 1550 की बात करें तो एलिजाबेथ का जो एंट्री हुई थी यानी कि ये हुई थी 1558 में, और इनकी डेथ हो गई थी आपकी 1603 में। क्लियर, ये हमारे एलिजाबेथ का टाइम रहा है, राज इतने साल राज किया था एलिजाबेथ ने। इनसे पहले इन मैरी इनकी सिस्टर ही थी, और उससे पहले एडवर्ड ने, और उससे पहले आपको पता ही है कौन थे, हेनरी 8 थे, और उनसे पहले हेनरी 7 थे। तो हेनरी 7 के बाद कौन आया है, हेनरी 8 आया, हेनरी 8 के बाद एडवर्ड आया, एडवर्ड के बाद मैरी आई, और मैरी के बाद ब्लडी मैरी भी कहा जाता है इनको, ब्लडी मैरी आई, उसके बाद कौन आई, एलिजाबेथ आई। तो इनमें सबसे ज्यादा फेमस रही एलिजाबेथ, तो इसलिए एलिजाबेथ एज कहा गया। तो ये याद रखना, टाइम पीरियड आ जाता है कई बार, और इसमें हमारे बहुत सारे राइटर हैं, हम डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन सी एज रही, और एज से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन पक्का आपके आते हैं, क्रोनोलॉजी टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जाता है शेक्सपियर कौन सी एज से आते हैं, मार्लो कौन सी एज से आते हैं, या थॉमस मोर किस एज से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें यहां से पूछी जा सकती है। अब आते हैं प्यूरिटन एज 1620 से 1660 तक मानी जाती है। देखिए एलिजाबेथ वैसे डेथ हो जाती है इनकी 1603 में, लेकिन उनकी एज का जो इन्फ्लुएंस था वो आगे तक माना जाता है 1620 तक, इसे जैकोपिनी पीरियड भी बोलते हैं, 1603 से 1625 तक का, ठीक है। आगे कैविलियन पीरियड कहा जाता है 1625 से लेकर 1649 तक, 49 से आपको पता ही है क्रॉमवेल आ जाते हैं, क्रॉमवेल 1650 से लेकर 1660 तक, उसके बाद रिस्टोरेशन पीरियड आ जाता है, आगे हम बात करेंगे। तो ये इसमें देखने को मिलता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि कैबिलियन एज कब शुरू हुई, या आपसे पूछा जाता है कॉमनवेल्थ एज किसको कहा जाता है, तो जो टाइम पीरियड है कब 1650 से लेकर 1660 का, उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये एज याद रखना प्यूरिटन एज की। उसके बाद हमारे पास है कौन, पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन, ये नोट करते जाना आप लोग, नोट करते जाना, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग एक एक पीरियड को डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद उनके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज करने के बाद पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि आपको पूरे हर एक तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन की बात करें तो ये 1660 से 1700 तक के टाइम चलता है, और यहाँ कई चीजें नहीं आती है, यहाँ थिएटर बंद हो चुके थे, बंद थिएटर दोबारा स्टार्ट करवाए, यहाँ चार्ल्स सेकंड आते हैं, चार्ल्स फर्स्ट तो मारे जाते हैं यानी कि 49 में, अब चार्ल्स सेकंड की एंट्री होती है, और चार्ल्स सेकंड ने भी कई अच्छे काम किए, एक तो थिएटर रिस्टार्ट करवाए, दोबारा से स्टार्ट करवाए। यहाँ जो मेन हमारे राइटर है वो है जॉन ड्रेडन, जॉन ड्रेडन को आपको पता है फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है जॉन ड्रेडन। यहाँ आपको पता ही है 1773 में किसकी डेथ हो जाती है, मिल्टन की डेथ हो जाती है, मिल्टन के बाद हमारे आते हैं जॉन ड्रेडन, और जॉन ड्रेडन के बाद हमारी स्टार्ट होती है यहाँ 18th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ 18th सेंचुरी को एज ऑफ पोप भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ मेन पोप जोनाथन स्विफ्ट, ये बड़े राइटर यहाँ देखने को मिलते हैं हमें। क्लियर, तो यहाँ आपको ये 1700 से 1800 के पीरियड को क्या बोलते हैं, 18th सेंचुरी लिटरेचर, क्या बोलते हैं, 18th सेंचुरी लिटरेचर याद रखना। यहाँ से अब डिटेल में हम बात करेंगे बाद में, और
तो बात करते हैं एज ऑफ रोमांटिज्म। अब यहां यदि बात करें तो हर बार इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस एज में से आते ही आते हैं। और ये एज स्टार्ट होती है वर्ड्सवर्थ के बर्क के, कौन सा बर्क लिखा था, लैरिक ब्लड। लैरिक ब्लड बर्क लिखा था इन्होंने 1798 में, और इनका जो डेथ हो गई थी वो 1815 में डेथ हो गई थी। तो वहां हमारी एज भी खत्म हो जाती है इनकी रोमांटिज्म, ठीक है। तो ये याद रखना। और बहुत सारे इसमें राइटर आए, जैसे एसटी कॉलरेज है, और भी बहुत सारे सऊदी है, जॉन लॉर्ड लॉर्ड बायरन है, बहुत सारे राइटर है जिनको डिटेल में हम जानने वाले हैं। आगे बात करते हैं हम एज ऑफ विक्टोरियन, यानी कि विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है हमारी 1850 से 19 तक। यानी कि बहुत सारी बुक्स में आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि विक्टोरियन एज होती है 1837 से और 1901 तक। ये हमारी कौन सी एज होती है, द विक्टोरियन एज। यदि रफली हम बात करें तो लगभग ये मान के चलिए, लेकिन एग्जैक्ट पूछा जाए तो आपको याद रखना 37 से स्टार्ट होती है और 1901 तक चलती है, क्लियर। अब यहां भी इनके बारिश नहीं था कोई नहीं, तो विक्टोरियन को रानी बनाया, 18 साल की उम्र में वो रानी बन गई थी, और उसके बाद लगभग 9 बच्चे थे इनके, और इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला सारी चीजों को, काफी बढ़िया था। इन्होंने भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारे चेंजेस किए। आपको पता ही है उस टाइम लेडीज को इतना इन्फ्लुएंस नहीं मिलता था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था, बावजूद इन्होंने बहुत अच्छे से राज्य को संभाला। और आगे हम लास्ट बात करते हैं हमारी मॉडर्निज्म को। मॉडर्निज्म की बात करें तो ये 1901 से लेकर 1939 तक रहा। 39 तक यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, आपको पता ही है। इसमें भी बहुत सारे राइटर आए जिन्होंने बहुत सारे काम लिखे, डिटेल में जानेंगे इसको, लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखना कि मॉडर्निज्म कब, मॉडर्न एज कब स्टार्ट हुई। तो मॉडर्न एज हमारी स्टार्ट हुई यानी कि 1901, आप मोटे तौर पे ये लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो 1901 से 1939 तक ये एज रहती है। आगे हम बात करते हैं लास्ट नॉट लिस्ट, अब पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि पोस्ट मॉडर्न एज हमारी कब से कब तक चली। तो ये भी आप याद रखना, ये अभी तक चल रही है, यानी कि 1939 से प्रेजेंट तक आपको देखने को मिलती है कौन सी, पोस्ट मॉडर्न एज। और यहाँ भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया आगे चल के, और उसके बाद नई चीजें मिक्स की गई, नए आइडियाज को ऐड किया गया, नई तरह की लैंग्वेज लोगों के सामने देखने को मिली, नए तरह के राइटर देखने को मिले, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी पूरी एजेस, मतलब हमने बात की अभी तक किस कहाँ से लेकर, एंग्लो नॉर्मन से, एंग्लो सैक्सन से लेकर एंग्लो नॉर्मल के बाद चौसर के बाद रिवाइवल के बाद हमने बात की थी एलिजाबेथ के बाद बात की थी कौन सी, रिस्टोरेशन के बाद बात की थी 18th century के बाद बात की हमने किसकी, रोमांटिज्म के बाद विक्टोरियन पीरियड के बाद हमारी कौन सी आ गई, मॉडर्न एज, मॉडर्न के बाद पोस्ट मॉडर्न एज। तो इतनी एजेस हमारी अभी जा चुकी है इंग्लिश में, और इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि कौन कौन सी एज है और उनका टाइम पीरियड क्या रहा। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, इनमें से एक या दो नंबर का जरूर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। और एग्जाम में आए तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि हमारे एग्जाम में आया, या वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना। और नए हैं तो फिर बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे आने वाले टाइम में। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लाइक करते